जंग के 10वें दिन यूक्रेन को हुआ भारी नुकसान, कई शहर तबाह हो गए। 10वें दिन भी लगातार जारी रहे हमले, रूस ने दागी मिसाइलें और रॉकेट। ओडिशा में रूस ने उड़ाया पुल, धमाके के साथ पुल हुआ चकनाचूर। रात को चेरनी हाइव में जोरदार धमाका, भारी नुकसान की खबर। चेरनी हाइव में लगातार हो रही बमबारी, लोगों में डर का माहौल। राजधानी कीव के बाहर एयरपोर्ट में जबरदस्त बमबारी, सैन्य अस्पताल पर भी हुआ हमला। एयरपोर्ट में हमले का असर, कई जगह लगी आग, इमारतों से निकल रहा है धुआं। एयरपोर्ट में सड़कों पर बड़े बम दिखाई पड़े, मलबे का ढेर, लेकिन शान से लहराता दिखाई पड़ा यूक्रेन का झंडा। कीव के गांव में हुआ हमला, 6 गांव वालों की हुई मौत, कई घर इस हमले में जमींदोज। मार्खा लिवका में गांव बुरी तरह तबाह। रूस ने दो शहर मरियापोल और वोल्नोवाखा में सीजफायर का ऐलान किया, नागरिकों को दिया जाएगा सेफ पैसेज। यूक्रेन ने भी सीजफायर की सराहना की, जेलेंस्की के एडवाइजर ने कहा बनाए जा रहे हैं रेस्क्यू कॉरिडोर। चेर्निहाइव की वॉरसूमी में हवाई हमले का अलर्ट, हर तरफ दहशत का माहौल। ज़ापोरोजिया परमाणु प्लांट को लेकर यूक्रेन ने दावा किया दोबारा कब्जा हासिल करने का यह दावा। ज़ापोरोजिया परमाणु प्लांट पर रूस ने कल किया था कब्जा, 3 यूक्रेनी मारे गए थे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का महल भी निशाने पर, महल के परिसर में गिरा रॉकेट दिखाई पड़ा। ज़ेलेंस्की पूरी तरह सुरक्षित, यूक्रेनी सेना ने कहा हमला नाकाम। खार्किव पर रूस का जबरदस्त हमला, लेकिन कुछ बम नहीं पटे फौजी कंधों पर, इसे उठाए हुए दिखाई पड़े। पोस्कोव शहर के पास भी रूसी सेना घुसी, सड़कों पर दिखाई पड़ा टैंक का काफिला। रूसी सेना के खिलाफ लोग हुए जमा, लुहानसक में सेना के टैंकों के आगे आम आदमी जुटे। रूसी हमलों के बाद कीव में हालात हुए खराब, कीव की सड़कों पर दिखाई पड़े नष्ट हुए सैन्य उपकरण, गाड़ियां और टैंक। रॉकेट और मिसाइल के हमलों से खंडहर बन गई इमारतें। कीव में बार बार गूंज रहा है सायरन, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई। कीव की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं रूस के अटैक हेलीकॉप्टर और टैंक, तबाही का दौर लगातार जारी। कीव के पास इरपिन में भी हुआ धमाका, हर जगह सन्नाटा, रेलवे स्टेशन पर पलायन करने वालों की भारी भीड़। कीव से निकलने की कोशिशों में भारत का छात्र हुआ घायल, कई गोलियां लगी। यूक्रेन से भागने वालों की भारी भीड़, लवीव स्टेशन पर दिखाई पड़ी है भीड़। ग्रीन पीस की अनूठी मुहिम, रूसी पोत पर लिखा शांति का संदेश। ज़ेलेंस्की को लेकर मिली जुली खबरें सामने आ रही, कुछ खबरों में कहा गया कि वो पोलैंड जा चुके हैं, कई खबरों में कहा गया कि यूक्रेन में। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी, एयरफोर्स के विमानों से पहुंचे 420 छात्र। कीव के बोरद यंका शहर में भी भीषण तबाही, कई जगह पर आग की लपटें नजर आई। निकोलोव ने कई जगह रूसी टैंक तबाह, रूसी सेना ने जारी किया वीडियो। रूस और यूक्रेन के बीच आज या कल होगी तीसरे दौर की बातचीत, ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने जानकारी दी। ओखित्रका में रूस का बड़ा हमला, पावर प्लांट उड़ा दिया गया। यूक्रेन से हजारों लोगों का हुआ पलायन, लगातार पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच रहे लोग, अब तक 12 लाख लोगों का पलायन। यूक्रेन से अब तक 12 लाख लोगों का पलायन, सबसे ज्यादा 6.5 लाख लोग पोलैंड चले गए। हंगरी गए 1.5 लाख लोग, मोल्डोवा में भी 1 लाख लोग पहुंचे। खेरसान में रूस का भारी विरोध, लोगों ने प्रदर्शन किया। टैंकों के आगे लेट गए लोग, आगे बढ़ने से उन्हें रोका गया। भारत के एनजीओ भी यूक्रेन में बढ़ चढ़कर मदद में जुटे, आर्ट ऑफ लिविंग ने राहत भेजी। लवीव में हमले के साथ मौसम की भी मार, लगातार हो रही है बर्फबारी। लवीव में हालात अब काबू होते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल है।
लवीव में सेना की मदद में जुटे वॉलंटियर्स लगातार भेज रहे हैं राहत सामग्री। सुमी से लेकर चेर्नोहाइव तक बार बार गूंज रहे हैं हमले के अलर्ट। सीज फायर के बाद मारियुपोल से शुरू हुआ लोगों को हटाने का काम। यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए वायुसेना का ऑपरेशन हुआ तेज, कई उड़ानें आई। बुखारेस्ट और बुडापेस्ट से आज लाए गए 600 से ज्यादा छात्र, अभी भी हजारों छात्र अटके हुए हैं। यूक्रेन ने जर्मनी से मांगे बड़े हथियार, जंग के लिए बताया इन्हें जरूरी। वायुसेना ने जारी की ग्लोब मास्टर C-17 विमान की तस्वीरें, सैकड़ों छात्र यहां पर बैठे हुए नजर आए। और आखिर में ज़ेलेंस्की की मांग कि यूक्रेन को बनाया जाए नो फ्लाई जोन, हालांकि इस मांग को नेटो ने ठुकरा दिया।